नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सीएम सिटी करनाल में मोस्ट वांटेड अपराधी पवन और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में गैंगस्टर पवन के पैर में गोली लग गई है। पुलिस ने गैंगस्टर को हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। पकड़े गए गैंगस्टर पर हत्या, लूट और स्नैचिंग के 14 मामले दर्ज हैं। करनाल पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल इस अपराधी को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने बताया कि अपराधी के पैर में गोली लगी है और वह अब ठीक है। अपराधी पवन पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था और संभालका का रहने वाला है। आपको बता दें कि 27 व 28 जुलाई को करनाल एवं घरोंडा के पेट्रोल पंप पर हुई लूट की वारदात में पहले दो आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, परंतु मुख्य आरोपी पवन अभी फरार था, जिसको तलाशने के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई। पुलिस ने रेकी कर काछवा की ओर जाने वाली सड़क पर इसकी रेकी की, जिसमें इस आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने जाल बिछाया था। पुलिस को देखते ही पवन ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बचाव में पुलिस ने अपनी तरफ से हवाई फायर किए और चेतावनी दी। बाद में पुलिस द्वारा अपनी मुश्तैदी दिखाते हुए पवन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से मोटरसाइकिल व रिवॉल्वर भी बरामद की गई। पकड़ा गया अपराधी करनाल में दो पेट्रोल पंप पर हुई लूट की घटना का मुख्य आरोपी है, जिसके साथियों को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। वहीं इसके ऊपर हत्या और लूट समेत कुल 14 मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही पवन को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई जा चुकी है। करनाल पुलिस लंबे समय से इस अपराधी की तलाश कर रही थी। पुलिस को आज सूचना मिली थी कि अपराधी यहां है। पुलिस जैसे ही उसे पकड़ने पहुंची, उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में एक गोली उसके पैर में लग गई और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने कहा कि जिले में क्राइम को रोकने के लिए पुलिस कृत संकल्प है और लुटेरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए विशेष रिपोर्ट। कहां से बदमाश का पीछा कर रही थी पुलिस, और क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए, ये आप जो जानते हैं, जो हमारी पेट्रोल पंप की वारदात हुई 27 और 28 तारीख की, उसमें दो प्राइम एक्यूज्ड अरेस्ट हो गए थे। और जो डिस्क्लोजर में बाकी इन्फॉर्मेशन के तहत जो पवन लड़का है, ये समालखा का रहने वाला है, ये उसमें मेन एक्यूज था। इसके बारे में जब और सूचना प्राप्त हुई तो इसने हिसार जेल से ये पेरोल पे आया था। ये वहाँ 302 के केस में ऑलरेडी दो मर्डर केस में कन्विक्टेड है। लाइफ इंप्रिजनमेंट इसको हो चुकी है, जो हमारे को अब तक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है। तो ये एक तरह से हार्डकोर क्रिमिनल था और हमारी मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। और हमारी जो दो वारदात हैं, उसके बाद भी एक लूट की वारदात जो मंडी में हुई, और इसीलिए इस ये टारगेट पे था और काफ़ी दिन से इसको हम फॉलो कर रहे थे, हमारे सोर्सेज भी थे। और आज ये कंफर्म सूचना थी कि उचाणा से काछवा की तरफ ये जो रोड जहां हम खड़े हैं, इधर से इसकी इन्फॉर्मेशन थी जाने की। तो CIE 2 की टीम इस केस को हैंडल कर रही थी। जैसे ही ये मोटरसाइकिल पर नज़र आया पुलिस की, क्योंकि हमारी टवेरा गाड़ी थी, उसको देख के ये यू टर्न करके वापस उचाणा की तरफ जाने लगा। और इसने जैसे ही पुलिस की गाड़ी देखी, इसने वहाँ पुलिस पर फायर किया। इसे वार्निंग दी, एक बार हवाई फायर भी किया कि इसको काबू किया जा सके, लेकिन इसने फिर दोबारा से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। और अपनी सेल्फ डिफेंस में और मौके के नज़ाकत को देखते हुए एक उसके पैर पे जो है गोली लगी है, जिसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया गया। फिलहाल वो आउट ऑफ डेंजर है। तो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था और 14 ऐसे मुकदमे इसके खिलाफ ऑलरेडी दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, स्नैचिंग, हमारे भी करनाल में भी इसके पहले स्नैचिंग विद इंजरी के केसेस दर्ज हैं। और ऑलरेडी दो केस में ये इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो चुकी थी। तो कहाँ का रहने वाला है सर ये? ये समालखा क्षेत्र का रहने वाला है, पानीपत। तो अकेला ही था सर आज? आज ही अकेला था। हेलमेट डाल रखा था सर इसने? ये अभी हम देखते हैं, अभी तो हम जो मौके पे अभी आपके सामने आए हैं वो भी डिटेल ले लेते हैं। तो रिवार्ड भी दिया जाएगा सर जिन टीमों ने पकड़ा? बिल्कुल, बहुत मेहनत का काम किया। और काफ़ी ये 28 तारीख से ही, क्योंकि हमारे पास सूचना आ गई थी तब से ही हम इसके पीछे थे। काफ़ी बार हमने दिल्ली भी रेड की, पंजाब भी रेड की, पानीपत भी टीम बिठाए रखी। तो ये काफ़ी एक डेडिकेटेड टीम इसी के पीछे लगा रखी थी 28 तारीख से, पिछले महीने के। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।